जब अडानी ने मोदी से कर दी योगी की तुलना, अडानी भी सीएम योगी से लेते हैं प्रेरणा। योगी राज में अडानी ने भी उत्तर प्रदेश को माना उत्तम प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी सराहना के पात्र थे और अब जब दूसरी बार सत्ता पर काबिज हो गए हैं, अब भी सराहना के पात्र हैं। और ये सिर्फ बीजेपी नेतृत्व नहीं मानता, बल्कि जनता भी मानती है और साथ ही मानते हैं देश के बड़े बड़े उद्योगपति। शुक्रवार 3 जून को उत्तर प्रदेश निवेशक सम्मेलन की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की धमाकेदार शुरुआत हुई। पीएम मोदी भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस सम्मेलन में देश के बड़े बड़े उद्योगपति भी शामिल होने के लिए राजधानी लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें गौतम अडानी, कुमार मंगलम, सज्जन जिंदल, मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी भी शामिल हैं। इस मौके पर अडानी ग्रुप के मुखिया गौतम अडानी ने राज्य में 70,000 करोड़ के निवेश का ऐलान किया है और सीएम योगी के लिए कहा, आज मुझे दो ऐसे लोगों के साथ उपस्थित रहने का मौका मिला है जो देश को समृद्ध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए आपकी कार्यशैली और आपका अनुशासन प्रेरणात्मक है। जिस तरह से आपने कानून व्यवस्था में सुधार किया है, उससे प्रदेश देश का सबसे अच्छा राज्य बन चुका है। सीएम योगी की कार्यशैली की सराहना करते हुए अडानी ने कहा, हम इतने प्रदेशों में काम करते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे में जिस पेशेवर ढंग से उत्तर प्रदेश प्रशासन ने काम किया, वो सराहनीय है। आपका विजन पीएम मोदी के विजन से मेल खाता है और ये उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा। अडानी ने अपने 70,000 करोड़ के निवेश के बारे में कहा, उत्तर प्रदेश में अडानी ग्रुप 70,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। इससे आने वाले समय में 30,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। इसमें से 11,000 करोड़ रुपए अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी, ट्रांसमिशन, डेटा सेंटर और कई अन्य सेक्टरों में निवेश कर चुका है, जबकि 24,000 करोड़ का निवेश रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, जबकि 35,000 करोड़ रुपए का निवेश डिफेंस और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इस सम्मेलन में निवेश के साथ साथ अडानी ने तो सीएम योगी की तारीफ में जो पुल बांधे वो तो किया ही, साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यूपी में अपार संभावनाओं का जिक्र किया। पीएम ने उत्तर प्रदेश को देश का सबसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर वाला राज्य बताया। पीएम मोदी ने कहा, भारत तेजी से विकास कर पा रहा है कि वो अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। 2014 के बाद देश में 1.75 ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। 2014 तक देश में 90,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स थे, जिनकी संख्या 4,00,000 के पार हो गई है। वहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के विचारों को सिर आंखों पर रखते हुए और निवेशकों को सरकार की तरफ से भरोसा दिलाते हुए कहा कि निवेशकर्ताओं को हर संभव सहयोग और सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मैं निवेशकों को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश में उनका निवेश सुरक्षित होगा। फिर सीएम योगी ने यूपी पर विश्वास व्यक्त करने के लिए निवेशकों का आभार भी जताया। आपको बता दें, यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए योगी सरकार यूपी इन्वेस्टर्स समिट के 3rd वर्जन की मेजबानी कर रही है। पीएम मोदी ने इस सम्मेलन में पहुंचकर 80 करोड़ के 1406 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया, जिसमें कृषि, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एमएसएमई, विनिर्माण, ऊर्जा, फार्मा, पर्यटन, रक्षा, एरोस्पेस, हथकरघा और कपड़ा आदि सेक्टर्स शामिल हैं। अब इन प्रोजेक्ट्स और इस समिट से मिले निवेश के जरिए यूपी नई ऊंचाइयों को छुएगा। आपको क्या लगता है, क्या सीएम योगी बड़े बड़े उद्योगपतियों के निवेश को ठीक से इस्तेमाल कर पाएंगे? क्या वो उद्योगपतियों के भरोसे को जीत पाएंगे? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने वाले देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने निरंतर प्रयासों से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, यहाँ उपस्थित अन्य मंत्री श्री, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम अधिकारीगण, उद्योग जगत के मेरे सभी मित्रों और उपस्थित सभी महानुभावों,
मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे दो ऐसे महान नेताओं के साथ उपस्थित रहने का मौका मिला है जो नया भारत बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, फ्रॉम द डे यू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, आई हैड द प्रिविलेज टू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एज यू कंसेप्चुलाइज्ड, एग्जीक्यूटेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज एन इकोनॉमिक मॉडल ड्रिवन बाय अवर ट्रिमेंडस फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बैलेंस डेवलपमेंट फॉर ऑल। नाउ एज द प्राइम मिनिस्टर यू आर इंप्लीमेंटिंग द फेम गुजरात मॉडल अक्रॉस द कंट्री एंड द इफेक्ट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। उत्तर प्रदेश इज अ सिंबॉलिक ऑफ दिस क्वांटम लीप फॉरवर्ड। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, यू आर बिल्डिंग अ न्यू इंडिया, अ न्यू इंडिया दैट वर्क्स टू रिस्टोर इट्स पास्ट ग्लोरी, अ न्यू इंडिया दैट स्टैंड्स बाय इट्स एलाइज एंड फ्रेंड्स, अ न्यू इंडिया दैट टेक्स सेंटर स्टेज ऑन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म, अ न्यू इंडिया दैट फील्स एंड केयर्स फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स, अ न्यू इंडिया वेयर ऑल इंडियंस कैन होल्ड देयर हेड्स हाई। यू आर द आर्किटेक्ट डिजाइनिंग द एस्पिरेशंस ऑफ 135 करोड़ इंडियंस एंड विथ 16% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, इट इज उत्तर प्रदेश सक्सेस दैट सेट्स द टोन फॉर द नेशन सक्सेस। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के लिए आपका विजन, आपकी अनुशासित जीवन शैली, काम के प्रति आपकी निष्ठा, सर्वांगीण विकास के तरफ आपका झुकाव और एग्जीक्यूशन की क्षमता प्रेरणात्मक है। जिस तरह आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार लाए और गुड गवर्नेंस की मिसाल कायम की, उससे आज उत्तर प्रदेश प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में भारत का सर्वोत्तम प्रदेश बन चुका है। हम इतने राज्यों में काम करते हैं और मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि चाहे बात गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की हो या अन्य किसी भी प्रोजेक्ट की, आपके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रशासन का प्रोफेशनलिज्म और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता आश्चर्यजनक और सराहनीय है। आपका विजन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेशन बिल्डिंग के विजन से जिस तरह मेल खाता है, यह कोई अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन चुका है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, यू आर एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑन विच यूपीस ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी विल बी बिल्ट। लेट मी नाउ टॉक अबाउट द अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट इन उत्तर प्रदेश। वी आर इन्वेस्टिंग ओवर 70,000 करोड़ इन द स्टेट। वी एंटिसिपेट दिस इन्वेस्टमेंट क्रिएटिंग ओवर 30,000 जॉब्स। ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट रुपीज 11,000 करोड़ हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट अक्रॉस अवर ट्रांसमिशन, ग्रीन एनर्जी, वाटर, एग्री लॉजिस्टिक्स एंड अवर डेटा सेंटर बिजनेस। वी आर ऑल्सो इन्वेस्टिंग रुपीज 24,000 करोड़ ऑन रोड एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रुपीज 35,000 करोड़ ऑन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स
as well as defense sectors. It is a proud moment to share that we are setting up South Asia's largest ammunition complex at Kanpur. This is the largest private sector investment in UP defense corridor. Our large investment are a sign of our confidence that Uttar Pradesh of today will define India of tomorrow. मित्रों, मैं अपनी बात का समापन सरोजिनी नायडू जी की कुछ सदाबहार पंक्तियों से करना चाहूँगा। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नज़रिया भी बदलता हूँ, बदलता नहीं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ, उसे पाने का पक्ष नहीं बदलता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सिद्धांतों को शायद इन चंद पंक्तियों से बेहतर और किसी तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है। मुझे गर्व है कि अदानी ग्रुप यूपी के विकास में सहयोग दे पा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।